टेनिस क्रिकेट उमरा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिनका नाम है द लायन ऑफ भिवंडी। जी हाँ, संजय भाई म्हात्रे, नगर सेवक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका। दोस्तों, अपने राजनीतिक करियर से क्रिकेट की ओर बढ़ने वाले और क्रिकेट में रुचि रखने वाले संजय भाई म्हात्रे BC4 और भिवंडी 40 प्लस क्रिकेट एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य है। अच्छे क्रिकेटर होने के बावजूद भी क्रिकेट का महासंग्राम आमदार चषक का भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से आयोजन किया है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि संजय भाई म्हात्रे जी ने भिवंडी में जो क्रिकेट का आयोजन किया उसका उद्देश्य सिर्फ खेल नहीं था, तो उसका उद्देश्य था भाईचारा। भिवंडी में एकता, अखंडता और एकात्मता का संदेश देने वाला क्रिकेट का महासंग्राम संजय भाई की ओर से हर साल छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगण में बहुत दिमागदार होता है। तो मिलते हैं और बातचीत करते हैं द लायन ऑफ भिवंडी संजय भाई म्हात्रे, नगर सेवक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका। टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका। शुक्रिया संजय सर। T10 क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका क्रिकेटिंग आइडल कौन रहा है? मेरे क्रिकेटर आइडियल है मेरे बड़े भाई साहब, जिनका नाम है माजी आमदार रूपेश म्हात्रे, जो बचपन से अच्छे क्रिकेट खेलते थे। उनका क्रिकेट देख देख के मेरे को भी क्रिकेट खेलने का जोश आया। भले हम चोरी छुप के क्रिकेट खेलते थे, लेकिन उनका जो क्रिकेट खेलने का तरीका था वो देख के मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया, इसलिए मेरे आइडल मेरे बड़े भाई साहब। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आमदार चषक भिवंडी आप ऑर्गेनाइज करते हो, सो हम जानना चाहेंगे कि इसका आइडिया आपके मन में कैसे आया? इसका आइडिया तो जैसे हमारे भिवंडी शहर में पहला तो एक बड़ी टूर्नामेंट होती थी जिसका नाम था महापौर चषक, जो चैलेंज ग्राउंड पर होती थी। तो जैसे वो लोग ऑर्गेनाइज करके हम लोग को खिलाते थे, तो थोड़ा सा हमारे भी दिल में आया कि अपन भी ये ऐसा ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं। तो इसलिए उनका देख के हम लोग यहाँ अपने ग्राउंड पे हो सब सुविधा करने की कोशिश करके एक जो क्रिकेट आमदार चषक करना चाहा वो उनकी प्रेरणा से करना चाहा। तो इतना सक्सेसफुल टूर्नामेंट होता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इनमें आपको? इसमें तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं। पहला तो ग्राउंड से लेके पूरे ग्राउंड पे लाइट लगाने से और उस उधर आने वाले सभी मेहमान, क्रिकेटर, फैन, इनको संभालना, ये सब मेरे साथ में मेरे जो दोस्त एक संस्था है जो महेंद्र कल्याणकारी संस्था, और उनके साथ में जो मेरी टीम है महिंद्रा स्पोर्ट, वैसे मयूरेश इंटरप्राइजेस, ये भी एक टीम थी जो गांव के लोग लड़के लोग खेलते थे, ये जो सब और मेरे गांव के सभी मेरे फ्रेंड, मेरे गांव वाले और शहर वाले जिन्होंने मुझे आमदार चषक खिलाने के लिए बहुत सारे सपोर्टिंग किया है, मैं उनका उनके जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इसलिए इतनी बड़ी टूर्नामेंट कर सके। तो चलिए सर शुरू करते हैं T10 क्वेश्चन विद संजय सर। सर आपका सबसे पहला सवाल, आपका सबसे पहला क्रिकेटर फ्रेंड कौन रहा है, प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल दोनों में? मेरा क्रिकेटर फ्रेंड यशवंत है, जो नॉन ऑफिशियल, जो बचपन से मेरे साथ में अच्छा क्रिकेट भी खेला है, मेरे साथ में एक ही स्कूल में हम लोग पढ़े हुए हैं और आज भी हम लोग फिटनेस के हिसाब से जो नया एक क्रिकेट खेलते हैं जिसका नाम है 40 प्लस, वो आज भी हमारे साथ में मेरे साथ में उसी 40 प्लस में खेलते हैं। और प्रोफेशनल में तो मेरे जो फेवरेट क्रिकेटर है वो जगदीश नायक करके है, जिनका क्रिकेट खेलने का अंदाज बहुत अच्छा है और उनका क्रिकेट जो कुशल मोमेंट में मैच को अच्छी तरीके से जिताना चाहते कैसे जीता जाता है वो सिखाते हैं, वो मेरे दूसरे फ्रेंड हैं। ओके, सो ये आपके फर्स्ट क्रिकेटर फ्रेंड रहे दोनों। हाँ, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आमदार चषक जो आप 2011 से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, 8 से 9 साल हो गए इस टूर्नामेंट को, सो ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करते टाइम आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? ये टूर्नामेंट में मुझे सबसे ज़्यादा जिनका सपोर्ट मिलता है वो है मेरे बड़े भाई साहब, जो 10 साल आमदार रह चुके हैं रूपेश म्हात्रे,
जो ये टूर्नामेंट के अच्छे अच्छे मेहमान लेके आते हैं, जो मंत्री से लेके बड़े बड़े हस्ती है उनको लेके आते हैं और हमारे जो टूर्नामेंट के शोभा बढ़ाते हैं वो तो उनके हाथों से पहले तो शुरुआत होती है। और बाकी बचाओ ये जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते समय जो छोटी मोटी जो तकलीफें आती है वो दूर करने के लिए वो हमें बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। तो बेसिकली आपके बड़े भाई का काफी सपोर्ट रहा है इसमें। वो बड़े उनका भी सपोर्ट रहा और मेरे जो मैंने आपको इससे पहले भी बताया कि मेरे जो दो संस्था है, एक संस्था है और एक जो मेरी क्रिकेट टीम है और मेरे गाँव के जो लोग हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं ये इतने सालों से ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप हमें बताइए ऑल ओवर थाने से अगर आपको दो फेयर प्ले टीम चुनना हो जो काफी फेयर प्ले क्रिकेट खेलती है तो आपकी नजर में कौन होंगी दो टीम? वैसे तो मैं पूरा थाना क्रिकेट में देखता उतना ये नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने भिंडी के माध्यम से अगर बोलना चाहूंगा तो बहुत फेयर टीम खेलती है, पॉइंटर स्पोर्ट करके है जो अच्छी है, किसी का फेयर नहीं करके अच्छा क्रिकेट खेलती है। वैसे दूसरी बोली जाए तो एक बी इंडियन टीम थी, वो भी बहुत अच्छा फेयर क्रिकेट खेलती थी। दोनों ही भिवंडी की टीम है। दोनों ही भिवंडी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र चषक जो आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हो बेशक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस टूर्नामेंट के अलावा आपको और कौन सी टूर्नामेंट पसंद आती है, आपकी फेवरेट टूर्नामेंट कौन सी रही है ऑल ओवर थाने में? वैसे तो मेरे टूर्नामेंट का मैं ये छोड़ के अगर बोलना चाहूँगा तो पहले बहुत अच्छी होती थी वो महापौर चषक जैसे चैलेंज ग्राउंड पे होती थी, लेकिन वो बहुत सालों से कुछ दो चार सालों से बंद हुई है, लेकिन उसी दौरान एक बाली ट्रॉफी करके है जो अल्ताफ बाली मेरे अच्छे दोस्त है उन्होंने भी अच्छी कोशिश की है और अच्छी टूर्नामेंट जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला जाता है वैसा इधर लुक देने का जो उन्होंने कोशिश किया तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि मुंब्रा क्रिकेट से आपको कोई ऐसा टूर्नामेंट लगता है जो काफी बढ़िया टूर्नामेंट हो सिर्फ मुंब्रा में जो होता है तो आप कौन से टूर्नामेंट का नाम लेना चाहोगे? मुंब्रा में तो बहुत सारे ट्रॉफी होती है, लेकिन मुझे जैसे मेरे को अच्छी लगती है वो जो चषक है वो आमदार चषक है जो MLA माजी आमदार जो सुभाष भोईर साहब है वो जो कराते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे कहा जाए कि क्रिकेट से रिलेटेड आपको किसी से चैट करना है, किसी से बातचीत करनी है क्रिकेट से रिलेटेड, तो आप किस प्लेयर से बातचीत करना आपको ऐसा लगता है कि सबसे बढ़िया होगा इनसे बात करना? क्रिकेट के बारे में अगर ऐसा ये किया जाए तो मैं समझो मेरे फ्रेंड है जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो वो बाली अल्ताफ बाली है और सुभाष ठाकरे है, वैसे अमोल पाटिल है, एक जो BC4 हमारे भिवंडी में BC4 जो कमेटी है वो कमेटी के माध्यम से हम लोग चैट करते हैं और क्रिकेट के बारे में बहुत सारा अच्छा क्रिकेट खेला जाए इस बारे में चर्चा करते हैं। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके इतने लंबे क्रिकेटिंग करियर में आपने कोई ऐसी कैच देखी हो जो आपके लिए यादगार रह गई हो तो ऐसी कौन सी कैच, आपको कोई कैच याद है जो आपकी नज़र में बेस्ट कैच हो? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे टूर्नामेंट में यानी अहमदाबाद चषक में एक जबरदस्त मोमेंट मैंने देखा हुआ है जो मैच थी बी इंडियन और धनेश कुक से, वो मैच में मैंने वो कैच देखा था जिसमें मुनाब ने वो कैच बहुत अच्छे तरीके से पकड़ा था, वो कैच के दरमियान दो प्लेयर की टक्कर हुई थी उसमें मुनाब का नाक की जो हड्डी है वो टूट गई थी, उसके कारण वो एक साल क्रिकेट खेल नहीं पाया, लेकिन इतना इंजर्ड होने के बाद भी उसने कैच नहीं छोड़ा था, वो मैंने वो वैसा आज तक क्रिकेट में ऐसे कैच नहीं देखी है जो इतना इंजर्ड होने के बाद भी उन्होंने कैच नहीं छोड़ा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि देखा जाता है आप टूर्नामेंट इतने लंबे समय से ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो बेशक आपके टूर्नामेंट में काफी कमेंटेटर्स आते हैं, सो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके दो बेस्ट फेवरेट कमेंटेटर कौन है तो आपकी नजर में कौन होंगे दो कमेंटेटर जिनकी आवाज आपको काफी पसंद है? मैं तो क्रिकेट जब से बचपन से खेल रहा हूँ समझो, लेकिन प्रोफेशनल में जाने से पहले से ही क्रिकेट की दुनिया में बहुत जबरदस्त एक आवाज थी जो आज भी वो आवाज अगर टूर्नामेंट में नहीं सुनाई दे तो वो टूर्नामेंट में का मजा थोड़ा कम हो जाता है, ऐसे हमारे खास सिद्दीक भावे
लोग उनकी आवाज सुनने के लिए सब लोग तरसते भी है। अगर कोई टूर्नामेंट में अगर उनका आवाज नहीं आते तो सब लोग उनको फोन करके पूछते हैं सर आप इस टूर्नामेंट में कमेंट्री नहीं करते, तो एक टूर्नामेंट का जो चार्म है वो नहीं आ रहा है। तो वो मेरे बहुत फेवरेट कमेंटेटर है और उनके साथ में एक वो मेरे अभी जो नए उनके साथ में सीखे हुए अच्छे लड़के है जो अच्छा क्रिकेट के बारे में जानकारी भी रखते हैं और अच्छा क्रिकेट के साथ में साथ को लेके चलते हैं और सबको अच्छा क्रिकेट सुनाते हैं वो है अजय गर्ग। ये भी भिवंडी की ये भिवंडी की ओके सो ये आपकी नजर में दो बेस्ट कमेंटेटर रहेंगे। ओके सो चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप हमें बताइए भिवंडी क्रिकेट से आपने इतने सालों से भिवंडी क्रिकेट को देखा है सो ऐसे कौन से दो यंगस्टर्स है जो आपको लगता है कि ये फ्यूचर स्टार हो सकते हैं भिवंडी का फ्यूचर स्टार आप उन्हें कह सकते हो ऐसे कौन से दो यंगस्टर्स है? वैसे तो स्टार तो बहुत सारे हैं जी लेकिन ये टेनिस क्रिकेट में अभी जो क्रिकेट का मजा है वो थोड़ा कम होते जा रहा है क्योंकि क्रिकेट अलग तरीके में जा रहा है। लेकिन मैं तो उनको थोड़ा सा मेरे आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा वो बेहतरीन क्रिकेटर है बनेंगे और उनको साफ अगर क्रिकेट करना है तो वो थोड़ा सा ये चीज़ें ध्यान में रख के मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि एक धनेश इलेवन के विवेक शेलार है जो अच्छे क्रिकेटर है वो अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं लेकिन थोड़ा सा मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि क्रिकेट अच्छा होना चाहिए करना चाहिए लेकिन अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए अच्छे लोगों के साथ में रहना चाहिए जरूरी है। तो मैं उन वो मेरे नज़र में तो फ्यूचर स्टार चाहे तो टेनिस से वो सीजन में भी जा सकते हैं वैसे क्रिकेटर है। और दूसरे एक यासिर जो अभी मराठा पंजाब करके टीम में खेलता है वो भी अच्छा उनका क्रिकेट खेलने का अंदाज है उनको भी मैं जो विवेक के लिए मैंने कहा वो भी उनके लिए भी मैं वही कहना चाहूँगा कि वो अच्छा क्रिकेटर फ्यूचर क्रिकेट के फ्यूचर बन सकते हैं। ये दो ऐसे क्रिकेटर है जो भिवंडी क्रिकेट का नाम काफी आगे ले जा सकते हैं। ओके सो चलिए बढ़ते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछा जाए कि आपने ऐसे कौन से दो अंपायर्स देखे जो सबसे बेस्ट अंपायर लगे आपको जो फेयर डिसीजन देते हो चाहे बॉलर का प्रेशर हो बैट्समैन का प्रेशर हो फिर भी वो अपने डिसीजन पर कायम रहते हो तो बेस्ट अंपायर कौन होंगे दो? मैं तो इसमें मेरे तो बहुत सारे यानी अंपायर दोस्त भी है मेरे अच्छे तालुकात है सभी से लेकिन मैं सबसे ऊपर एक अंपायर को रखना चाहूँगा जो जिसका नाम है फैज रईस जो कौन से भी मोमेंट पे अगर उन्होंने कोई डिसीजन दिया हो तो आगे पीछे नहीं करते और वो जो क्रिकेट के माध्यम से रहेगा वही डिसीजन देते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके लिए वो मेरे सबसे फेवरेट और सबसे अच्छे अंपायर। और उनके साथ में मेरे गांव के एक मेरे दोस्त मेरे साथ में स्कूल में पढ़े हुए जो अंपायर का ये करते हैं वो गोकुल दास पाटिल है जो अच्छे अंपायर। तो आपकी टूर्नामेंट में ये अंपायरिंग के लिए आते होंगे? हाँ पक्का वो ही आते हैं। तो चलिए बढ़ते हमारे सबसे आखिरी दसवें सवाल की ओर। जैसे कि हमने देखा है कि आप एक अच्छे क्रिकेटर भी थे सो अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिकेटिंग लाइफ का आपका मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है सो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? ये तो बहुत पुरानी बात है जब 2002 में महापौर चषक होता था हमारे चैलेंज राउंड पे जो जिसके ऑर्गेनाइजर विलास पाटिल साहब है जो अपने भिवंडी के कॉरपोरेशन में उनका नाम अच्छे इसमें लिया जाता था तो उनके वो क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करते थे महापौर चषक के माध्यम से। तो उस क्रिकेट के टूर्नामेंट में मैं एक अच्छी पारी खेली हुई मुझे आज भी बहुत याद है कि मैंने दो ओवर में 33 रन चाहिए थे तो मैंने उसमें एक ओवर में 27 रन बनाए थे 3 छक्के मार के अच्छा हमारे टीम को। लेकिन मेरे को कहने के लिए ये होता है कि इतना सब करने के बाद भी वो मैच हम लोग हार गए थे क्योंकि एक ओवर में 6 रन चाहिए थे और वो मैं आउट होने के बाद में हमारे टीम के और बैट्समैन थे उनको 6 बॉल में 6 रन नहीं कर नहीं पाए। तो वो जो क्रिकेट का परफॉर्मेंस मैंने जो दिया था वो आज भी मुझे बहुत याद है। ओके और अगर जैसे आप इतने सालों से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो आंधा चषक टूर्नामेंट ऑफ भिवंडी तो अगर इस टूर्नामेंट में से आपसे पूछा जाए कि मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है आपका
तो आप क्या कहना चाहोगे कि इस टूर्नामेंट आप इतने सालों से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सो कोई ऐसा मोमेंट रहा है इस दरमियान जो आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठ गया हो आपके? इसमें तो ऐसा है, बहुत इतने सालों में बहुत सारे टूर्नामेंट का, बहुत बार टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइजिंग हुआ, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे मोमेंट आई है। पहले तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो मोमेंट लगता है क्या, हर साल हमारे नेता जो हमारे मार्गदर्शक भी है, हमारे थाना जिला के पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, वो मेरे हर टूर्नामेंट में वो टूर्नामेंट को जो आके मार्गदर्शन करते हैं, यानी वो जो संबोध अपने प्रोत्साहन देते हैं, वो तो मुझे सबसे अच्छा लगता है। और वो आगे भी वैसा ही प्यार और उनके मार्गदर्शन में ऐसे ही सब ये रहते रहे, इसलिए मैं वो मोमेंट को ज़्यादा पसंद करता हूँ। ओके, सो जैसा कि हमने देखा सर, आपने सारे 10 सवालों का बखूबी काफ़ी बढ़िया आंसर किया, तो जाते जाते हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा था अभी कि 40 प्लस टूर्नामेंट का खेलते हो आप, एक टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करते हो, तो ये टूर्नामेंट क्या होता है 40 प्लस, इसके बारे में कुछ बताइए। इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें बहुत बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक था, अभी उम्र के हिसाब से उतना क्रिकेट खेल नहीं पा रहे, अभी क्रिकेट छोड़ने के बाद थोड़ी सी शरीर में बॉडी बढ़ने का काम हो, तो बॉडी अपना मेंटेन रहे इसके लिए हम लोगों ने थोड़े से आइडिया निकाल के ऐसा एक टूर्नामेंट का अरेंजमेंट किया है कि जो 40 प्लस यानी 40 ईयर्स के ऊपर जो रहेंगे वो लोगों को लेके गांव गांव का टीम बनाया हुआ है, और वो टीम बनाने के बाद में हमने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग करना शुरू किया, और उस माध्यम से हम इंजॉय भी करते हैं, अपने फिटनेस का ध्यान भी रख रहे हैं, तो क्या है वो जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होती है तो उस माध्यम से रोज क्रिकेट खेलने मिलता है, रोज क्रिकेट खेलने से बॉडी मेंटेन रहती है, और बाकी बचा अपना शौक पूरा हो रहा है, शरीर अच्छा रह रहा है, इसलिए एक 40 प्लस के माध्यम से जो क्रिकेट खेला जाता है इसलिए उसको मैं हम लोग 40 प्लस के नाम से खेला जाता है। ओके, सो 40 प्लस टूर्नामेंट में जो आप क्रिकेट खेलते हो, इसमें आपको कोई ऐसे दो प्लेयर लगते हैं जो 40 प्लस एज के बाद भी काफी अच्छा परफॉर्म करते हो? हाँ बिल्कुल, क्योंकि 40 नहीं, मैं तो बोलूंगा 45 के ऊपर के लोग हैं जो अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको बोलूंगा कि मेरे बुआ के लड़के हैं, एक पिंपलगर गांव के संतोष पाटिल करके हैं, जिनका एज 48 रहा होगा, जो अभी भी जैसे प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है वैसे ही खेलते हैं, अच्छा इम्प्रोवाइज करते हैं जो 40 प्लस क्रिकेट में, तो मेरे बेस्ट प्लेयर मुझे लगते हैं उनका, वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी बहुत अच्छा है, बैटिंग करने का तरीका भी बहुत अच्छा है, तो मुझे वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और दूसरे है मेरे कालेर गांव के जो क्रिकेटर है राजन करके, उनका भी वो भी अच्छा ऑलराउंडर है, अच्छे तरीके से बॉलिंग करते हैं और अच्छे तरीके से बैटिंग करते हैं, मैच कैसे जीता जाए इस बारे में वो बारीकी से काम करते हैं, इसके लिए मुझे वो दोनों बहुत ज़्यादा पसंद। सर जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? जरूर, मैं आपके माध्यम से आपके व्यूवर्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो क्रिकेट हो रहा है अभी, वो क्रिकेट अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि अभी का क्रिकेट जो खेल भावना से नहीं हो रहा है, वो खेल भावना से होना चाहिए, इस बारे में सोच विचार करें। और जो ये जो क्रिकेट अभी जो चल रहा है, जैसे जो क्रिकेट खेल भावना से न होते हुए पैसे की भावना से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए, और आपका क्रिकेट देख के हर लोगों में जोश आना चाहिए कि अपन क्रिकेट के पीछे चले जाए, ऐसा उनको सोचने के लिए मजबूर करना चाहिए, तो आप अच्छा क्रिकेट खेलें, फेयर क्रिकेट खेलें और अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलें, मैं आपके माध्यम से यही उनको आह्वान करना चाहूँगा। जी, तो थैंक यू सो मच सर, आपने क्रिकेट को प्रमोट करने के रीज़न से टेनिस क्रिकेट मुंब्रा के साथ जुड़ने का फैसला लिया, थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आज आपने देखा भिवंडी के कॉर्पोरेटर संजय भाई म्हात्रे जी को, जिन्होंने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और हमारा टेनिस क्रिकेट मुंब्रा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।